Welcome guys, welcome to Edu Home Tax once again. So today we will talk about motor car as perquisite. What does this mean? This means कि अगर आप कहीं job करते हैं और आपको आपका employer motor car देता है use के लिए, तो वो perquisite कहलाएगा. And income tax में भी all know perquisite is taxable. मतलब आपके salary में उस motor car की value को add कर दिया जाएगा और उस पर आपको टैक्स देना होगा. बट वो perquisite का value कितना होगा वो हम decide करेंगे इस video के through. So let's start. We will divide the discussion into two part. कि अगर आपको मोटर कार दिया जा रहा है और जो मोटर कार दिया है वो एम्प्लॉयर का है, मतलब एम्प्लॉयर आपको अपने तरफ से एक मोटर कार दे रहा है यूज करने के लिए. और दूसरा केस है जहाँ पे आप अपनी खुद की गाड़ी को यूज कर रहे हैं, बट उसका जो भी खर्चा आएगा वो आपका एम्प्लॉयर आपको रीइंबर्स कर देगा. ओके, पहले वाले केस में एम्प्लॉयर गाड़ी भी दे रहा है प्लस जो भी खर्चा आएगा उसका रनिंग एंड मेंटेनेंस RNM, रनिंग एंड मेंटेनेंस मतलब पेट्रोल इंश्योरेंस वगैरह जो है वो खर्चा भी आपका एम्प्लॉयर देगा और गाड़ी भी आपको एम्प्लॉयर दे रहा है. सेकेंड केस में हम लोग पढ़ेंगे जहाँ पे आप अपनी खुद की गाड़ी को यूज कर रहे हो बट उसका जो भी रनिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट है वो एम्प्लॉयर दे रहा है. ओके, देन वी विल डिसाइड कि आपको जो मोटर कार दी गई है वो आप किस पर्पज के लिए यूज कर रहे हैं. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि आप किस पर्पज के लिए उस मोटर कार को यूज कर रहे हैं टू डिसाइड द वैल्यू ऑफ परपोज. नंबर वन इज ऑफिशियल पर्पज. ऑफिशियल पर्पज मतलब जहाँ पे आप ऑफिशियल पर्पज ऑफिस के ड्यूटीज के लिए उस गाड़ी को यूज करेंगे, ऑफिस के क्लाइंट्स को मिलने के लिए या ऑफिशियल पर्पज. सेकेंड इज पर्सनल. आप पूरी तरीके से वो गाड़ी आपकी अपनी गाड़ी है और आप उसको पर्सनली अपने फैमिली के साथ गैदरिंग्स के साथ यूज कर रहे हैं. और तीसरा है बोथ, जहाँ पे आप ऑफिशियल भी यूज कर रहे हैं और पर्सनली भी गाड़ी को यूज कर रहे हैं. सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन. सो मोटर कार ओन्ड और हायर्ड बाय द एम्प्लॉयर. तो एम्प्लॉयर आपको एक मोटर कार दे रहा है और उसका जो रनिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट है वो भी आपको रीइंबर्स कर देगा. पहला है ऑफिशियल पर्पस. तो आपको मोटर कार दी गई है खाली ऑफिशियल यूज के लिए. आपको ऑफिस आना जाना, क्लाइंट विजिट वगैरह हो गया जो आप उस मोटर कार के थ्रू करेंगे और कोई पर्सनली आप उस गाड़ी को यूज नहीं कर रहे हैं. तो अगर ऐसा है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा. परक्विजिट वैल्यू विल बी जीरो. वो परक्विजिट कहलाएगा भी नहीं. क्यों? क्योंकि वी ऑल नो कि हम ऑफिस पर्पस के लिए अगर कोई काम करते हैं उसके लिए हमें सैलरी मिलती है, हम अलग से क्यों टैक्स देंगे. सो ऑफिशियल पर्पस के लिए अगर आपको गाड़ी दी जाती है तो उसका परक्विजिट वैल्यू कुछ नहीं होगा, वो टैक्स नहीं देना पड़ेगा. सेकेंड पर्सनल. तो अगर आपको एक मोटर कार दी जाती है आपके एम्प्लॉयर के थ्रू जो कि आपकी खुद की गाड़ी हो जाएगी और उसका जो भी खर्चा आएगा रनिंग एंड मेंटेनेंस का खर्चा वो भी रीइंबर्स कर दिया जाएगा आपको, तो इस केस में हमें परक्विजिट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी. परक्विजिट की वैल्यू कैसे निकालेंगे? नंबर वन एक्चुअल रनिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट, मतलब पूरा साल भर में आपके कितना खर्चा आया पेट्रोल इंश्योरेंस मेंटेनेंस का, और वो खर्चा जो आपको रीइंबर्स कर दिया गया है वो खर्चा परक्विजिट वैल्यू में ऐड हो जाएगा. सेकंड, अगर आपको साथ में ड्राइवर दिया जाता है, ड्राइवर को हम लोग शॉफर भी बोलते हैं, CHAUEFFER शॉफर. तो अगर आपको शॉफर या ड्राइवर दिया जाता है और उसकी सैलरी भी उसमें परक्विजिट में ऐड हो जाएगा. और तीसरा कार्स डेप्रिसिएशन, 10% का डेप्रिसिएशन वैल्यू भी आपको ऐड करना होगा परक्विजिट वैल्यू में. सो लेट्स अंडरस्टैंड बाई वे ऑफ एन एग्जाम्पल. सपोज आपकी सैलरी है 10 लाख और आपको एक कार दिया जाता है, ठीक है, उस कार को आप यूज करते हैं और रनिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट आता है 1 लाख. 1 लाख का पूरे साल भर में पेट्रोल वगैरह इंश्योरेंस वगैरह जो भी है कॉस्ट आता है और आपका एम्प्लॉयर आपको 1 लाख रुपये दे देता है. सो 1 लाख. आपको एक ड्राइवर दिया जाता है जिसको साल भर में 1 लाख रुपये की सैलरी दी जाती है और कार की वैल्यू है 10 लाख जिसका डिप्रिसिएशन कॉस्ट आता है 10%. 10% होता है 1 लाख. ओके, सो आपका परक्विजिट वैल्यू क्या होगा? 1 लाख रनिंग एंड मेंटेनेंस, 1 लाख ड्राइवर का कॉस्ट प्लस 1 लाख डिप्रिसिएशन, 3 लाख विल बी द परक्विजिट वैल्यू. और आपका सैलरी कितना माना जाएगा? 10 + 3 13 लाख. तो आपको 13 लाख पे सैलरी पे टैक्स देना होगा. आई होप दिस इज क्लियर. अगर आप अपने पॉकेट से कोई भी एक्सपेंस देते हो उसको आप रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है. मान लो 1 लाख रुपए का रनिंग मेंटेनेंस कॉस्ट आया, 30,000 आपने दिया, 70,000 आपके एम्प्लॉयर ने दिया, तो ओनली 70,000 विल बी द परक्विजिट वैल्यू. मूविंग नेक्स्ट. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आता है कि आप जो गाड़ी को यूज कर रहे हैं वो पर्सनली भी यूज कर रहे हैं प्राइवेट पर्पज के लिए
और ऑफिशियली भी यूज कर रहे हैं। तो ऑफिशियल पर्पस के लिए और प्राइवेट पर्पस, पर्सनल पर्पस दोनों के लिए यूज कर रहे हैं, तो उस केस में ऑफिशियल वाला जो पार्ट होगा दैट विल बी नॉन टैक्सेबल, और पर्सनल वाला जो पार्ट होगा वो होगा टैक्सेबल। नाउ हाउ डू वी डिसाइड, कैसे पता करें कि कितना खर्चा पर्सनल है कितना प्राइवेट है, क्या हमें रिकॉर्ड मेंटेन करना होगा? द आंसर इज नो। लॉ इज प्रेस्क्राइब्ड, कुछ अमाउंट प्रेस्क्राइब कर दिया गया है कि दिस अमाउंट विल बी कंसिडर्ड एज पर्सनल और आपको उस पर टैक्स देना पड़ेगा। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बाइफ्यूरकेट इंटू टू पार्ट, कि आपको छोटी गाड़ी दी गई है कि बड़ी गाड़ी दी गई है, आपके एम्प्लॉयर ने आपको छोटी गाड़ी दी है या बड़ी। मतलब अगर इंजन का कैपेसिटी अप टू 1.6 लीटर्स है, 1.6 लीटर्स, तो वो स्मॉल मानी जाएगी, और सीसी अगर 1.6 लीटर से ज्यादा है तो उसको बड़ी गाड़ी माना जाएगा। ठीक है, तो अगर स्मॉल गाड़ी और बड़ी गाड़ी वो आपको डिसाइड हो गया है, तो नेक्स्ट पार्ट है कि कितना टैक्सेबल होगा। तो उसमें आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है कि उसका रनिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट कौन देगा, मतलब उसका पेट्रोल वगैरह जो खर्चा है क्या एम्प्लॉयर खुद देगा, क्या एम्प्लॉई खुद देगा या आपका एम्प्लॉयर उसको रिइंबर्स करेगा। सो फर्स्ट इज रनिंग एंड मेंटेनेंस बाय एम्प्लॉयर, मतलब गाड़ी भी एम्प्लॉयर ने दिया और उसका खर्चा भी आपका एम्प्लॉयर देगा। तो उस केस में 1800 रुपया पर मंथ विल बी द परक्विजिट वैल्यू। तो छोटी गाड़ी के लिए 1800 पर मंथ जो है हम लोग परक्विजिट का वैल्यू मान लेंगे, और अगर बड़ी गाड़ी है तो 2400 रुपया पर मंथ, 2400 पर मंथ विल बी द परक्विजिट वैल्यू। अगर गाड़ी खाली आपको एम्प्लॉयर ने दिया है बट उसका जो रनिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट है वो आप खुद बेयर कर रहे हैं अपने पॉकेट से, तो उस केस में परक्विजिट वैल्यू कम हो जाएगा। मतलब स्मॉल गाड़ी अगर है तो 600 रुपया पर मंथ, और अगर बड़ी गाड़ी है तो 900 रुपया पर मंथ विल बी द परक्विजिट वैल्यू। आई होप दिस इज क्लियर। अब अगर गाड़ी के साथ साथ आपको ड्राइवर भी दिया जाता है, गाड़ी के साथ साथ ड्राइवर दिया जाता है, तो आपको 900 रुपया एडिशनल देना होगा। सर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल मान लो कि आपको आपके एम्प्लॉयर ने एक छोटी गाड़ी दी और उसका जो भी खर्चा है वो एम्प्लॉयर बोलता है मैं ही दे दूंगा। ठीक है, तो 1800 रुपया पर मंथ आप ऐड करेंगे परक्विजिट वैल्यू, और साथ में आपको ड्राइवर भी दी जा रहा है, तो आपको प्लस 1800 के साथ साथ 900 रुपया ड्राइवर का भी ऐड करना होगा। तो जब जब आपको शॉफर दिया जा रहा है साथ में, तो 900 आपको उसमें ऐड करना पड़ेगा। आई होप दिस इज क्लियर। मूविंग नेक्स्ट, नाउ सेकेंड सिचुएशन आता है जब एम्प्लॉयर आपको कोई मोटर कार नहीं दे रहा है, मोटर कार आपकी खुद की है, आप अपनी खुद की गाड़ी यूज कर रहे हो, बट एम्प्लॉयर बोल रहा है उसका जो भी खर्चा आएगा वो उसका रिइंबर्समेंट कर देगा। सो एम्प्लॉयर सिर्फ खर्चा रिइंबर्स कर रहा है, ठीक है, और खर्चे में ड्राइवर का कॉस्ट भी इंक्लूडेड है, ड्राइवर का कॉस्ट भी इंक्लूडेड है। तो अगर ऑफिशियल, मतलब आप अपनी गाड़ी को यूज कर रहे हो ऑफिस पर्पज के लिए, ऑफिस में जाने के लिए, आने के लिए, क्लाइंट से मिलने के लिए, तो उस केस में परक्विजिट वैल्यू विल बी जीरो। वी ऑल नो कि वो परक्विजिट नहीं माना जाएगा अगर आप ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज करते हो, बोथ पर्सनल एंड प्राइवेट। मतलब अगर आप ऑफिस पर्पस और प्राइवेट पर्पस दोनों के लिए यूज किया जा रहा है, गाड़ी को आप ऑफिशियली भी यूज कर रहे हो और अपने फैमिली या पर्सनली भी उसको यूज कर रहे हो, तो उस केस में कैसे डिसाइड करेंगे कि परक्विजिट वैल्यू कितना होगा? बिकॉज वी नो कि ऑफिशियल पर्पस वाला जो खर्चा है वो माफ हो जाएगा और पर्सनल वाला जो खर्चा है उस पर टैक्स लगेगा। तो यहाँ पे लॉ सिंपल कर दिया गया है कि डिसाइड कर लो पहले तो कि गाड़ी छोटी है कि बड़ी, आपकी गाड़ी छोटी है कि बड़ी। एक बार डिसाइड हो गया, अब हर मंथ जो एक्चुअल खर्चा आएगा, हर मंथ जो एक्चुअल खर्चा आएगा उसमें से 2700 पर मंथ, 2700 को ऑफिशियल खर्चा माना जाएगा। मतलब अगर आपका खर्चा 3000 रुपया पर मंथ आता है तो उसमें 2700 माइनस कर देंगे जो कि ऑफिशियल है, और 300 रुपीज पे आपको परक्विजिट वैल्यू ऐड कर दी जाएगी। तो 300 रुपीज पर मंथ आपका परक्विजिट वैल्यू हो जाएगा। सो जो भी खर्चा आता है, 4000 आएगा तो उसमें से 2700 माइनस कर दो, 1300 विल बी पर मंथ विल बी योर परक्विजिट वैल्यू। सो 2700 को हम मानेंगे कि वो ऑफिशियल है। अगर बड़ी गाड़ी है तो हम 3300 रुपीज को मानेंगे ऑफिशियल है, और बाद बाकी जो भी खर्चा होगा वो होगा पर्सनल। आई होप दिस इज क्लियर। सर अगर ड्राइवर जो है, अगर ड्राइवर कोई नहीं दिया है, एम्प्लॉयर जो है ड्राइवर नहीं दिया है, उस केस में क्या होगा? उस केस में माइनस कर लो 1800, मतलब तो 2700 में से 1800 माइनस हो जाएगा।
सॉरी 2700 में 900 माइनस हो जाएगा, तो 1800 आपका ऑफिशियल खर्चा माना जाएगा, 1800 ऑफिशियल खर्चा माना जाएगा, और जो बैलेंस बच गया वो होगा पर्सनल। आई होप दिस इज क्लियर। अब अगर मोटर कार नहीं, आप अपना बाइक यूज करते हो, कोई भी ऑटोमेटिव कन्वीनियंस यूज कर रहे हो, और उसका खर्चा जो भी आ रहा है वो एम्प्लॉयर आपको रिइंबर्स कर रहा है, तो ऑफिशियल पर्पस के लिए अगर है तो कोई परक्विजिट वैल्यू नहीं होगा। अगर पर्सनल एंड ऑफिशियल दोनों के लिए अगर आप यूज कर रहे हो, पर्सनल एंड ऑफिशियल दोनों के लिए अगर आप यूज कर रहे हो, तो परक्विजिट वैल्यू क्या होगा? परक्विजिट वैल्यू होगा कि जो भी आपका एक्चुअल खर्चा आया उसमें से 900 रुपया पर मंथ माइनस कर दो। 1000 अगर आपका सपोज पर मंथ खर्चा आता है, तो उसमें से आप 900 माइनस कर दो, तो बचा कितना? 100 रुपीज। 100 रुपीज पर मंथ विल बी द परक्विजिट वैल्यू। आई होप दिस इज क्लियर। मूविंग नेक्स्ट, अदर की पॉइंट। अगर आपको एक से ज्यादा गाड़ी दी जाती है तो उस केस में कैसे डिसाइड होगा? तो अगर एक से ज्यादा गाड़ी दी जाती है तो एक गाड़ी को हम मानेंगे कि आप ऑफिस और पर्सनल दोनों पर्पस के लिए यूज कर रहे हो, और बाकी जितनी भी गाड़ी है सबको मानेंगे आप पर्सनली यूज कर रहे हो। ठीक है, अदर कार्स विल बी कंसिडर्ड कि आप पूरा प्राइवेट पर्पस के लिए यूज कर रहे हो, और एक गाड़ी को मानेंगे कि नहीं ऑफिस और प्राइवेट दोनों पर्पस के लिए यूज हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है कि हमें पता है कि ऑफिशियल पर्पस के लिए अगर यूज करते हैं तो वो खर्चा परक्विजिट वैल्यू में ऐड नहीं होता है, बट उसका एक प्री कंडीशन है कि आपको डिटेल्स मेंटेन करना होगा जर्नी का, मतलब कि आप कहाँ से कहाँ तक गए, डेस्टिनेशन कहाँ था, माइलेज कितना हुआ, एक्सपेंडिचर कितना इनकर हुआ, पूरा डिटेल्स यू हैव टू मेंटेन, एंड यू हैव टू गेट अ सर्टिफिकेट। आपको आपके एम्प्लॉयर से एक सर्टिफिकेट लेना होगा कि जो भी खर्चा हुआ है वो एक्सक्लूसिवली ऑफिशियल पर्पस के लिए किया गया है। ओके, सो दिस वाज अ स्मॉल डिस्कशन ऑन मोटर कार एज परक्विजिट। इफ यू हैव एनी डाउट डू राइट मी इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।